और अब आपके बच्चों को आपको कहीं बाहर वीकेंड पर मेले में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए बड़ी शानदार टॉय ट्रेन है, ये देखिए बच्चे एंजॉय करते हुए साथ में टीचर्स भी एंजॉय कर रही हैं, हैप्पी बैसाखी मनाते हुए। मुझे तो ये टॉय ट्रेन देखकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने ऐसी टॉय ट्रेन किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में नहीं देखी है। नमस्कार, मैं हूँ महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। सबसे पहले तो आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप भी खुश हैं, और आप अपना बैसाखी का त्यौहार कैसे मना रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे हैं जो डांस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ढोल पर नाचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ ज़रूर शेयर करें। बैसाखी का त्यौहार अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार है, और ऐसे में छोटे बच्चों को हर एक त्यौहार के महत्व के बारे में बताया जाए, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस में यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस में पंजाबन बनी हुई है लड़कियाँ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कि आपको भी मज़ा आ रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी को बोलो ना, क्या नाम है आपका? आपको पता है आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ज्यादा सुंदर। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? अक्षिता। ओके, इन विच क्लास डू यू रीड? सेकंड। कौन से स्कूल में आप? RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितना मजा आता है स्कूल आने में डेली? बहुत ज्यादा। ओके, कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो आप? क्या नाम है आपका? राधेया। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो स्टडी के साथ साथ? फिश बनाते हैं, डांस करते हैं और डांस सभी बच्चों ने किया। व्हाट्स योर नेम? कुहू। कौन सी क्लास में हो आप कुहू? एलकेजी में। क्या कर रहे हो आज, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो? ओके, बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? अनिका। कौन सी क्लास में आप? यूकेजी में। कौन सा फेस्टिवल मना रहे हो आज? बैसाखी। और बहुत सारे बच्चे देखिए ढोल पर डांस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आपका क्या नाम है? आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। कौन से स्कूल में हो आप? क्या नाम है? अच्छा, नाम बताओ आप अपना। गीत। आप बहुत प्यारे लग रहे हो और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस में बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, पंजाबी हो या फिर पूरे देश में कोई भी हो, बैसाखी का त्यौहार आज मना रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ऐसी है जिसके बिना कोई भी त्यौहार मनाया नहीं जा सकता, वो है खाना। और खाना आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हाइजीनिक यहाँ की टीचर्स द्वारा बनाया गया है, तो बच्चे आज खाकर बैसाखी के त्यौहार को एंजॉय करेंगे। बहुत ज्यादा हाइजीनिक फूड है, खुद अपने हाथों से बनाया गया है, बाहर से ना लाकर यानी कि यही पर खुद बनाया गया है, ताकि बच्चों को पौष्टिक खाना मिल सके। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देखें, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ स्कूल की बहुत सारी टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम इधर आ जाइए एक बार। व्हाट्स योर नेम मैम, एंड कौन सी क्लास को आप टीच कर रहे हैं?
माय नेम इज़ कनिका एंड आई एम टीचिंग यूकेजी राइट नाउ एंड टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट बैसाखी। बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं मैम, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जितने भी मैंने देखे हैं मैं तो कहूंगी सभी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। फूड के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कोई भी फेस्टिवल बिना फूड के कंप्लीट नहीं होता। मैम आज हम बच्चों को फूड के साथ बैसाखी सेलिब्रेशन करा रहे हैं। फूड हमने यहाँ पे रखा है जो बहुत ही हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन है, जिसमें आप देख सकते हैं और आप दिखा सकते हैं। मैम आज हम प्री प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं, प्री नर्सरी की, और जितनी भी क्लासेस मैंने बताई चाहे प्री नर्सरी हो एलकेजी हो यूकेजी हो फर्स्ट हो सेकंड हो, क्या कुछ फैसिलिटीज हैं आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में? मैम आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल का नंबर वन स्कूल है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर प्री प्राइमरी सेक्शन सेपरेट है जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्विंग्स हैं, एक्टिविटी रूम इज देयर जहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं, और हर एक क्लासरूम में एसी है। और मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगी, फुली एयर कंडीशन क्लासरूम है। एक बार जरा सबसे पहले एक्टिविटी एरिया में चलते हैं और बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। बच्चों आप लोग एंजॉय करो, हम आपका एक्टिविटी एरिया दिखाते हैं। ये एक्टिविटी एरिया है और कमाल की बात ये देखिए कि बहुत बड़ा एक्टिविटी एरिया है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता पूरे करनाल में ऐसा कोई स्कूल होगा जहां बच्चों के खेलने के लिए इतना बड़ा एक्टिविटी एरिया होगा, एक्टिविटी रूम होगा। स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड भी आप सामने देख सकते हैं जहां पर बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं अलग अलग, चाहे मैं एनिमेटेड स्टोरीज की बात करूँ, मूवीज की बात करूँ, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। झूलों की अगर बात की जाए, टेबल्स आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे टेबल्स हैं जहाँ पर आपका बच्चा आराम से बैठकर डाइनिंग के जितने भी एथिक्स होते हैं उन्हें समझ सकता है, मैनर्स उनके अंदर आ जाएंगे कि किस तरीके से डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, उधर बेड भी है, यानी कि अगर बच्चा खेल कूद कर थक चुका है और अगर वो रेस्ट करना चाहता है, या किसी दिन बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी वो उस दिन रेस्ट कर सकता है। एक्वेरियम है, यानी कि हर एक चीज़। और ये देखिए जो मुझे सबसे खास लगी, यानी कि स्पोर्ट्स में भी बच्चों का रुझान बढ़े उसको लेकर, चाहे बास्केटबॉल हो, बच्चे शुरू से स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करें और स्पोर्ट्स को सीख सकें। ये इंडोर एक्टिविटी एरिया है। आउटडोर एक्टिविटी एरिया की मैं बात करूं तो बाहर चलते हैं, देखिए बच्चे वहां पर भी पहुंच चुके हैं और एक ट्रेन आपको, टॉय ट्रेन आपको देखने को मिल रही होगी जो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और सामने कई तरह के झूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अब आपके बच्चों को आपको कहीं बाहर वीकेंड पर मेले में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बड़ी शानदार टॉय ट्रेन है, ये देखिए बच्चे एंजॉय करते हुए साथ में टीचर्स भी एंजॉय कर रही हैं, हैप्पी बैसाखी मनाते हुए। मुझे तो ये टॉय ट्रेन देखकर बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने ऐसी टॉय ट्रेन किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आकर बच्चों को इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरफ भी आप देखिए बहुत सारे झूले हैं जिस पर झूलते हुए बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। साथ में टीचर्स आप देख सकते हैं, साथ में और भी आप देख सकते हैं। देखिए केयर टेकर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए बच्चे बार बार बाय बाय करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखने के लिए टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और लेकिन उधर देखिए बच्चे झूले लेते हुए, शानदार राइड्स लेते हुए, यानी कि जिन राइड्स को दिलवाने के लिए आपको टिकट लेकर इधर उधर जाना पड़ता है, अब आपको टिकट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे और स्कूल में इतना ज़्यादा स्टडी के साथ साथ एंजॉय हो तो कितना ज़्यादा मज़ा आ जाए। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चों को। और भी बहुत सारे झूले, ये देखिए इधर बच्चे चढ़ते हुए, कितना मज़ा कर रहे हो, बहुत मज़ा कर रहे हैं। देखिए इधर से भी आप स्लाइड ले सकते हैं, यानी कि आपके बच्चे इधर से भी स्लाइड लेकर नीचे आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। डर नहीं लगता है, ये बच्चे आज के हैं और आज के बच्चों को डर नहीं लगता। आज के बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, फन करते हैं। और आज
बैसाखी का त्यौहार, बैसाखी का त्यौहार बड़े ही अलग तरीके से मनाया जा रहा है, बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। हर कोई फैंसी ड्रेस में है, हर कोई अलग अलग ड्रेसेस यहाँ पर पहनकर आए हुए हैं, तो सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के टीचर्स भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं। मैम आपका क्या नाम है और बैसाखी का त्यौहार आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सर माय नेम इज मीरा शर्मा। सो वी आर एंजॉयिंग द बैसाखी मेला एंड टाइनी टॉट्स दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। दे आर हैविंग फन ऑन राइडिंग ट्रेन and they have enjoyed the food also with stalls we have made. We have prepared ourselves the hygienic food because due to COVID we were not supposed to go out and yes. buy something from outside, so we have made all the things in the school itself. Wow, सभी चीजें स्कूल में बनाई गई हैं, यानी कि खाना भी जो बच्चों को आज सर्व किया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, वो भी इंडोर बनाया गया है, स्कूल प्रीमिसेस में बनाया गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि अगर यहाँ की टीचर्स एंजॉय कर रही हैं तभी तो वो बच्चों को एंजॉय करवा पाएंगी, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी अपने बच्चों को RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भेज सकते हैं और अपने बच्चों की स्टडी के साथ साथ उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा कर उन्हें उनका मूड और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24। मैं हूं मेघ शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।